मेरा नाम सजाद नूराबादी है और मैंने दो जगहों पे इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, श्रीनगर से भी और वाराणसी से भी। जी जी, तो आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है मतलब उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं, तो मुल्क के प्रधानमंत्री के मतलब उसके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या मन में है या क्या आप नहीं समझते हैं कि आप कि वहां पर हार होगी? देखिए, द सेक्युलर इंडिया ऑफ गांधी हैज बीन हाईजैक्ड बाय द क्रिमिनल फोर्सेस और इनके लिए मुकाबला हमें करना है। और जैसे कह रहे हैं कि द नेशन सफर्स अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। जो ये वायलेंट लोग हैं ये लिमिटेड है, ये कुछ मतलब परसेंट है, ये ज्यादा नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत मतलब 125 करोड़ यहाँ पे लोग हैं, तो सारे लोग समझदार हैं, सारे लोग इन जैसे क्रिमिनल लोग नहीं है। उनके लिए मैं एक मैसेज लेके जा रहा हूँ और जो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं सिर्फ गांधी जी के सेक्युलर हिंदुस्तान के लिए वोट मांगूंगा और हमें क्रिमिनल फोर्सेज को हर हाल में रिजेक्ट करना है। तो अभी आपने ये जो फैसला लिया है कि श्रीनगर से भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता नहीं है कि आप एक खाली एक एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट दिस लोकसभा पोल्स? देखिए, हमें आज मैंने खतरे की घंटी बजा दी है और मैंने डिसाइड किया है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि हु विल बेल द कैट, आई हैव डिसाइडेड टू बेल द कैट और दोज हु हैव रूइंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ ऑफ कश्मीर हियर, उनके खिलाफ मैंने ऐलानी जंग किया है, युद्ध का ऐलान किया है, जमहूरियत का हथियार लेके मैं चल पड़ा हूँ। आज श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ इनकी खानदान ने जो यहाँ पे तबाही मचा दी है 47 से लेकर आज तक, इनके खिलाफ यहाँ पे मैंने नॉमिनेशन भरी और वहां पे भी जा रहा हूँ। यहाँ से वहां तक जो भी रास्ते में आएगा, मैं एक घंटा लेके चल पड़ा हूँ, जो जहाँ पे भी रास्ते में बिल्ली मिल जाए उसके गले में मैं बांधूंगा। कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है कि यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय सम एलिमेंट्स, सो हुसोएवर, देखे रिएक्शन उसमें आती रहती हैं, कोई कुछ क्या कहेगा उसकी मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं नौजवानों को कह रहा हूँ, अब हम नौजवान इस मैदान में आ चुके हैं, हमारा फ्यूचर इन लोगों ने बर्बाद किया है और हमें आना चाहिए इस वक्त मैदान में, ताकि हमें अपनी जो नस्लें, कितनी नस्लें हमने खराब की है और आने वाले नस्लों को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सियाद साहब, जैसा कि खबरों में आ रहा है कि आप पहले जो सेपरेटिस्ट लीडरशिप थी वहां पर आप काम कर रहे थे, 2014 में आपने बायकॉट की कॉल भी दी थी, अपने इलाके में आप काफी सक्रिय थे, अभी आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो ये शिफ्ट आपके आइडियोलॉजी में कैसे आ गया? देखिए, मेरी आइडियोलॉजी, माय आइडियोलॉजी एज इट वाज इन 2014 दिस टाइम, लेकिन जो बायकॉट की आप कह रहे हैं कि दैट टू वाज माय डेमोक्रेटिक राइट, वो मेरा जमहूरी हक था, हमारा यहाँ का जमहूरियत, हमारा संविधान हमें यहाँ पे अलो करता है कि अगर मतलब जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, अगर हमें उनमें से कोई पसंद नहीं है, यहाँ तक कि ईवीएम में भी ये एक बटन इंट्रोड्यूस किया है नोटा के, अगर आपको कोई पसंद नहीं है आप नोटा को भी प्रेफर कर सकते हैं, तो हमारा जमहूरी हक था कि हम बायकॉट भी कर सकते हैं, हम वोट भी डाल सकते हैं, इट इज अवर डेमोक्रेटिक राइट। और उस वक्त जो मेरा मकसद था इन सेपरेटिस्ट, तो मतलब जो वो कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला बातचीत के जरिए हल किया जाए, उसके लिए वो एक जमहूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं भी जमहूरी तरीके से कह रहा हूं कि कश्मीर के मसले को हल किया जाना चाहिए ताकि खिते में अमन हो, एज इट इज द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन साउथ एशिया, सो साउथ एशिया में अमन की जमानत सिर्फ वैसे कश्मीर को हल ही दे सकता है।